देखिए अब ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा छोटा है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस बी एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर एक्स वाई, इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करना है। सावधान, सबसे पहला काम तो आप x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें, इक्वल टू जीरो करें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डेवर u अपॉन, लाइक में लिख रहे हैं डेवर x क्या आएगा, थ्री, ध्यान से क्या गलती हमसे हो जाती है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी वाई स्क्वायर प्लस, सही लिखा क्या है, टू बी स्क्वायर एक्स वाई, हाँ ठीक, टू बी स्क्वायर वाई, ये आएगा ना, और इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा हमको। अब ये देखना थ्री थ्री भी कॉमन नहीं है, वाई भी कॉमन नहीं है, एक्स भी कॉमन नहीं है, इन भाई साहब को सॉल्व करना है, जिसे आप देख लीजिएगा डेवर यू अपॉन डेवर वाई करिए, तो वाई के रेस्पेक्ट में करो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का सिक्स बी एक्स वाई आएगा, वाई कर रहे हैं ना, और प्लस का टू बी स्क्वायर एक्स आएगा, जीरो करेंगे, यहां से एक्स कॉमन हो सकता है, यहां से एक्स कॉमन हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस थ्री वाई स्क्वायर आएगा माइनस सिक्स बी वाई आएगा, ये तो वाई है एक्स, हाँ ये जीरो हो जाएगा, बोला जीरो हो जाएगा, सही लिख रहा हूं क्या, प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर आया, इसका जीरो आया, इसका सिक्स बी एक्स वाई आया, इसका टू बी स्क्वायर, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर बचा, x कॉमन लिया ना, प्लस यहाँ से क्या बचा थ्री वाई स्क्वायर आया माइनस सिक्स बी वाई आया प्लस का टू बी स्क्वायर आया बराबर जीरो आया। अब देखो ध्यान से, एक ये मान एक x का मान, यहाँ दो निकलेगा ना, एक x का मान जीरो और ए मान एक, ये पेयर हो गया, यानी हम यहाँ पर जो पेयर लेंगे बी टेक, एक एक्स का मान जीरो लेंगे और ये लेंगे हम थ्री बी स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं यार, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी वाई स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर वाई बराबर जीरो, एक तो ये पेयर लेंगे आप पहला, ठीक है, एक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेंगे भाई, एक एक्स का मान जीरो, एक ये क्वेश्चन, एक ये वैल्यू ये वैल्यू लेंगे, और दूसरा जो पेयर लेंगे आप, पहले फर्स्ट पेयर की बात कर, ये फर्स्ट पेयर ले लिया, ये फर्स्ट पेयर ले लिया, ठीक, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x का मान क्या है जीरो, तो x का मान जीरो यहां रख दो उठा करके भाई, ये x यहां, इस x का मान यहां एडजस्ट करेंगे, फिर इसका मान यहां एडजस्ट करेंगे, क्यों, तो पहले x का मान जीरो करके हम इसको उधर एडजस्ट करते हैं, x को रखो जीरो यहां पर, ये क्या आएगा, यहां आएगा वाई क्यूब, एक्स का मान रखा जीरो माइनस थ्री बी वाई स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर वाई बराबर जीरो, ये क्या आएगा, क्या कॉमन दिख रहा है, यहां से y कॉमन दिख रहा है, तो यहां क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा माइनस का थ्री बी वाई आएगा प्लस का टू बी स्क्वायर आएगा बराबर जीरो, इसके फैक्टर करिए, टू बी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो जिनको सम करने पर थ्री बी आ जाए, टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं टू बी इंटू बी, और टू बी प्लस बी करेंगे थ्री बी आएगा, इसको लिखेंगे वाई, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई माइनस बी वाई प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, यहां से वाई मारा, यहां से वाई कॉमन, वाई माइनस टू बी माइनस का बी कॉमन, वाई माइनस टू बी बराबर जीरो, एक फैक्टर वाई है, एक वाई माइनस टू बी है, एक वाई माइनस बी है, यानी वाई का मान एक जीरो आएगा, एक बी आएगा, एक टू बी आएगा, तीन मान आ गए नहीं आ गए, किस वैल्यू पे आए, जब एक्स का मान आपने जीरो किया है, तो एक पेयर जीरो जीरो का आ गया, एक जीरो बी का आ गया, एक जीरो टू बी का आ गया, तो यहां लिखते हैं पेयर, जो पेयर्स मिले हैं, एक जीरो जीरो का मिला है,
एक जीरो बी का मिला है, एक जीरो टू बी का मिला है, ये आपके तीन पेयर आ गए। ठीक है, समझ के लिखिएगा, तो हमसे गलती हो जाती है वैसे हम। अब जरा देखिए सेकंड पेयर देखते हैं, ले लें काटें इसको, रब करें, अब इसको रब नहीं कर सकते तो इसको डबल डेरिवेटिव करना है। देखो दूसरे पेयर में क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन ये लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन वन, और एक ये वाली लिखेंगे, यानी यहां से एक्स टाइप कर देंगे, दूसरी ये लिखेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका जरा समझिए क्या करें। देखो ध्यान से, सावधान, पता नहीं कैसे करें, नहीं किताब में लिखा तो चीटिंग करके कर लेंगे। देखो यहां टू बी स्क्वायर वाई है, यहां टू बी स्क्वायर है ना, यहां बी वाई स्क्वायर है, यहां बी वाई है, यहां पर थ्री वाई स्क्वायर है, यहां वाई क्यूब है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर वाई है। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं वाई में यहां मल्टीप्लाई कर दूं काफी कुछ सिमिलरिटी आ जाएगी, अगर मैं वाई में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहां पर आ जाएगा भाई, नहीं आ जाएगा, यहां पर बी वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यहां पर थ्री वाई क्यूब यानी वाई क्यूब यहां है, तो कुछ कैलकुलेट हो सकता है। अदरवाइज भाई ये भाई साहब इनको फूटी आंखों नहीं सुहाते, ये इनसे नफरत करती हैं, ये इनसे नफरत करते हैं, ये अनलाइक प्लेयर्स हैं, इनको लाइक करने के लिए क्या करें, हम इक्वेशन थ्री में किससे मल्टीप्लाई कर दें, वाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन थ्री क्या होगा, लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाई थ्री, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई क्यूब माइनस सिक्स बी वाई स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर वाई। ये इक्वेशन सेकंड ए मान लेते हैं, बन गया सेकंड का ही एक पार्ट बन गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड सेकंड ए कर सकता हूं ना, समझा रहे, वाई से मल्टीप्लाई क्यों किया, कुछ एक जैसा बनने के लिए। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या आएगा यहां पर, टू एक्स स्क्वायर वाई आएगा, है ना, प्लस का वाई क्यूब माइनस का थ्री वाई क्यूब माइनस का टू वाई क्यूब आएगा, ये तो अकेला है तो ये तो ऐसे रहेगा, माइनस का थ्री बी एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री बी वाई स्क्वायर प्लस का सिक्स बी वाई स्क्वायर प्लस का थ्री बी वाई स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ये आ गया, कितने स्टेप्स हैं, टर्म्स हैं, इसमें चार टर्म्स हैं। अब आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरे में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, ये अलग पार्ट है ना, हाँ थ्री ने थ्री भी नहीं कॉमन दिख रहा है, बताओ इसमें क्या कॉमन होगा। देखो इन दोनों में अगर हम चाहें तो टू वाई कॉमन ले सकते हैं, है ना, यहाँ क्या बच जाएगा, टू वाई कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का थ्री बी कॉमन ले लें तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर टू वाई माइनस थ्री बी बराबर जीरो, तो यानी यहाँ पर जब एक्स इसको जीरो करोगे तो वाई का मान आएगा प्लस माइनस एक्स, और यहाँ पर वाई का मान आएगा थ्री बी बाई टू, वाई का मान आएगा प्लस माइनस एक्स, वाई का मान आएगा थ्री बी बाई टू। ठीक है, अब वाई का मान प्लस एक्स उठाओ, ये नोट करिए ना, हम बार बार रब करेंगे, उस जगह हमारे पास है नहीं, इसको हम हटा नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, देखो y का मान x उठाओ और इक्वेशन नंबर टू में रख दो, छोटा यही है, रख जा भी सकते हैं वन में भी, पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन टू, रखो जरा एक y को x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बी एक्स प्लस टू बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो। आप चाहो तो टू से डिवाइड कर दो तो आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब फैक्टर करिए आप, बी स्क्वायर और टू का मल्टीप्लाई करो, टू बी स्क्वायर आएगा, तो आपने टू से डिवाइड नहीं किया है क्या, कहा देंगे आप, बी स्क्वायर और टू का मल्टीप्लाई करो, टू बी स्क्वायर आया, वैसे बताना नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, मतलब बता दो, ज्यादा दिमाग लगा आपको, तो बी स्क्वायर टू का मल्टीप्लाई करो, टू बी स्क्वायर आएगा, टू बी स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करो जिनका सम थ्री बी हो, तो टू बी इंटू बी, इसको लिखेंगे आप टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से टू एक्स कॉमन, एक्स माइनस बी आएगा, यहाँ पे माइनस का
बी कॉमन एक्स माइनस बी आएगा, यानी एक्स का मान यहां से क्या निकलेगा, एक तो बी निकलेगा, एक बी बाई टू निकलेगा, दो एक्स के मान निकले, निकला ना। अब देखो ध्यान से, वाई बराबर एक्स था ना, इसका मतलब वाई का मान भी क्या आएगा, बी आएगा और बी बाई टू आएगा, यानी एक पेयर और आ गया, बी कामा बी आ गया और बी बाई टू कामा बी बाई टू आ गया। ठीक, हमने क्या रखा था, वाई बराबर एक्स रखा था, नोट कर लिया, समझ में बात आ रही नहीं आ रही, प्लस माइनस देख लीजिएगा। अब वाई बराबर माइनस एक्स रखिए यहां पर, वाई बराबर माइनस एक्स रख दीजिए यहां पर, रखो जरा इसी में रखो वाई बराबर माइनस एक्स, तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहां माइनस एक्स करोगे तब भी प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, यहां जब माइनस एक्स करोगे तो प्लस का आ जाएगा सिक्स बी और प्लस का टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, ये तो आएगा, क्या लिख रहा हूं, सिक्स बी एक्स माइनस एक्स करोगे प्लस हो जाएगा ना ये, और ये स्क्वायर यही रहेगा, तो आ गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बी एक्स प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, टू से डिवाइड कर दो तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस टू बी बराबर जीरो, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो बी स्क्वायर का टू से मल्टीप्लाई किया, वही चीज टू बी स्क्वायर कैसे टुकड़े जिनका सम थ्री बी हो, तो आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, यहां से टू एक्स कामन एक्स प्लस बी आएगा, यहां पर बी कामन एक्स प्लस बी आएगा, एक्स प्लस बी कामन करोगे तो एक्स का मान माइनस बी आएगा और एक्स का मान माइनस का बी बाई टू आएगा, क्यों आएगा, अब देखो वाई बराबर माइनस एक्स है तो एक्स का मान बी आएगा तो वाई का मान प्लस में आ जाएगा ना, और वाई का मान यहां पर बी बाई टू प्लस में आ जाएगा, जब माइनस बी करोगे तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो एक पेयर ये आ गया माइनस बी कामा बी और माइनस बी बाई टू कामा बी बाई टू, एक और पेयर आया, निकालते जाओ बस आगे आगे देखो होता है क्या। अब एक वाई की वैल्यू है थ्री बी बाई टू, अभी कितने पेयर निकले हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, अभी y का मान 3b by 2 उठाइए और y का मान 3b by 2 कहां रख दीजिए, कहीं रख दो, क्वेश्चन 2 में रख दो, नोट कर लिया, putting y is equal to 3b by 2 in equation number 2, putting y is equal to 3b by 2 in equation 2, हम इसमें रख रहे हैं क्योंकि y से बात मल्टीप्लाई किया है ना हमने, क्या आएगा यहां पर x स्क्वायर आएगा प्लस 3 इंटू नाइन बी स्क्वायर बाई टू माइनस 6 इंटू बी इंटू थ्री बी बाई टू प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, यानी ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस नौत्रुक 27 बी स्क्वायर बाई टू माइनस दो दिए छह तीन त्रिका नौ नाइन बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, यहां पर ट्वेल्व से मिलो तो एक्स स्क्वायर प्लस सत्ताईस बी स्क्वायर माइनस अठारह बी स्क्वायर प्लस चार बी स्क्वायर बाई टू बराबर जीरो, क्या हो गया वैल्यू गड़बड़ आ रही है क्या, भाई क्वेश्चन देख ले जरा, थ्री बी बाई टू लिखा है ना, थ्री बी बाई टू कहाँ लिखा आपने, एक बार चेक कर लो जरा, थ्री बी बाई टू यहां लिखा है ना हमने, जब यहां थ्री बी बाई टू करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू नाइन, ओ सॉरी 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 नाइन बी स्क्वायर बाई फोर, अरे क्या देख रहे हो भाई, बोले हम खाम काय देखें, पढ़ा आप रहे हो देखो जो देखो कोई हम काय देखें, फोर नहीं आ जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू नाइन बी स्क्वायर अपान फोर आएगा, वही हमका निगेटिव वाली वैल्यू मिजरी माइनस सिक्स बी इंटू थ्री बी बाई टू प्लस टू बी स्क्वायर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एल से मिल जाएगा तो नौत्रुक सत्ताईस बी स्क्वायर माइनस दो तीन छः तीन त्रक नौत्रुक छत्तीस छत्तीस बी स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर एट बी स्क्वायर 8b स्क्वायर बाय 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस देखो 27 और 8 35
35 माइनस 36 माइनस का मन, तो माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो x का मन आएगा प्लस माइनस b बाई 2। ये तो आएगा, और y का मन क्या रखा गया था 3b बाई 2, तो एक आ गया आपका b बाई 2 कॉमा 3b बाई 2, और आ गया आपका माइनस बी बाई 2 कॉमा 3b बाई 2। ये 9 पेयर्स मिले आपको x और y के, 9 पेयर्स आए, ठीक है मात्र। अब आपको आर टी और एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आर टी और एस, ठीक है लग करें सही है वैल्यू, सही लग तो रही है सही वैल्यू। हाँ इसको आप यहां से रख कर दो, अभी तो वैल्यू निकाली ना, अभी तो मैक्सिमम में कहां चेक किया, जब पेयर देख लो सही सही है, एक जीरो जीरो है, एक जीरो जीरो है, एक जीरो बी है, एक जीरो बी है, एक जीरो टू बी है, एक जीरो टू बी है, एक बी बी है, बीबी है, जब बीबी कहीं लिख के आता था हम छोटे हम लोग थे तो बड़े हंसते थे आपस में, अरे वाह देखो क्या नाम आया, एक बी बाई टू है, एक माइनस बी बी है, एक माइनस बी बाई टू है, एक बी बाई टू थ्री बी बाई टू है, अरे वाह। अब आपको आर टी और एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करेंगे, आर बराबर क्या होता है डेवर टू यू बाई डेवर एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोबारा, क्या आएगा देखो जरा, सिक्स एक्स वाई आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हो, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का सिक्स बी एक्स आएगा, इसको एक्स में करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, सही है ना, इतने तो आएगा ना। अच्छा डबल डेवर, अब एस निकालेंगे डेवर टू यू बाई डेवर एक्स डेवर वाई, अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो वाई के करेंगे कितना आएगा, ये थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का थ्री वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का सिक्स बी वाई आएगा, और प्लस का टू बी स्क्वायर आएगा। फिर क्या करेंगे देखो, आप इसको y के रेस्पेक्ट करो या इसको x करो, इसको x करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, ये आपका x करेंगे 3y स्क्वायर आएगा, माइनस का 6by आएगा, प्लस का 2b स्क्वायर आएगा, वही सही है। फिर t निकालेंगे डेवर 2u अपॉन डेवर y स्क्वायर, इसको y स्क्वायर के रेस्पेक्ट करिए दोबारा, क्या आ जाएगा इसका जीरो हो जाएगा, इसका क्या आएगा 6xy आएगा, इसका वाई करिए माइनस का 6bx आएगा, ये इतना आया, नोट कर लिया। अब इसको ऊपर नोट कर दीजिए दोबारा, जगह हमको चाहिए थोड़ी सी, इसको लेकर के काम खत्म, खत्म होने वाला है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए r का मान क्या आया है 6xy माइनस 6bx, ये r का मान आया है। s का मान क्या आया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6by प्लस 2b स्क्वायर, और t का मान क्या आया है 6xy माइनस 6bx। अब ये सही है, इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं, r का मान आया है 6xy माइनस 6bx, ठीक है, s का मान आया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6by प्लस 2b स्क्वायर, और t का मान आया है 6xy माइनस 6by। अरे वाह भारती जी मजा आ गई। अब क्या करोगे, अब आपको rt और s स्क्वायर का मान इन पेयर्स के लिए निकालना है सबके लिए, तो उसके लिए आप करेंगे ये सबसे बढ़िया चीज, कैमरे में देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है देखो, यहां पर नौ नौ कॉलम बना लीजिएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये नौ कॉलम बना लिए हमने, है ना, इसमें हम वैल्यू रखेंगे x कामा y की, इधर कर रखेंगे वैल्यू x कामा y की, उसके करिस्पॉन्डिंग r निकालेंगे, r निकालेंगे, उसके करिस्पॉन्डिंग s निकालेंगे, उसके करिस्पॉन्डिंग t निकालेंगे, एक ही कॉलम में बना लेंगे, एग्जामिनर को सामने दिख जाएगा ना, वो वैल्यू चेक कर लेगा टेबल से, t निकालेंगे, ठीक है। ये पेयर, पहला पेयर क्या है, जीरो कामा जीरो है, जीरो कामा बी है, जीरो कामा टू बी है, बी कामा बी है, बी बाई टू कामा बी बाई टू है, माइनस बी कामा बी है, माइनस बी बाई टू कामा बी बाई टू है, बी बाई टू थ्री बी बाई टू है, और माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालना शुरू करिए, हम तो चीटिंग करके लिख देंगे, देखो जब जीरो कामा जीरो करोगे
तो यानी कि r में x का मान रखो 0, y का मान रखो 0, यहां 0 आ जाएगा। अच्छा एक और निकालना पड़ेगा, rt - s² निकालना पड़ेगा, एक और कॉलम बनेगा, आ जाएगा ना, एक और कॉलम बनेगा rt - s² का, rt - s² का। कैमरे में थोड़ा नीचे कर देते हैं कैमरा, ऊपर जरूरत नहीं है, इसमें नीचे जरूरत है तो नीचे अपना डायरेक्ट लिखते हैं। देखो 0,0 में r का मान 0 आया है, s का देखो आप s में देखिए जरा, s में जब x को 0,0 करोगे तो ये 2b स्क्वायर बचेगा ना, तो ये 2b स्क्वायर आया है और t का मान 0 आया है और rt - s स्क्वायर का मान आया है माइनस का 4b स्क्वायर, ठीक है। ये आप निकालेंगे 0,b यानी x को रखो 0 और y को रखो b, तो r का मान 0 आया है, s का मान माइनस बी स्क्वायर आया है, इसका मान 0 आया है, इसका मान माइनस बी की पावर 4 आया है। 0,2 में 0 आया है, ये 2b स्क्वायर आया है, ये 0 आया है, माइनस का 4b की पावर 4 आया है। ये कैसे, x का मान 0 और y का मान b यहां रख दो, ये वैल्यू निकल आएगी सब में, इसमें भाई आपको r t और s चाहिए ना, ये x y के मान है, x y के मान रखते जाओ, ये निकालते जाओ। अब या तो आप मत बनाओ टेबल, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, नाइन्थ केस, ले जाओ। ये बनाने से क्या होगा, एग्जामिनर को एक साथ दिख जाएगा आपने निकाला क्या, लेकिन आपको तो फेयर करना पड़ेगा, नीचे फर्स्ट सेकंड केस लिखने पड़ेंगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, फेयर वर्क है ये, रफ में थोड़ी निकालोगे और बाद में यहाँ लिख दोगे। अब सुना कैसे निकाल रहे हैं, अब जैसे बी कहाँ बी है, एक्स को बी रखो, वाई को बी रखो, कहाँ आर में, फिर एस में रखो और टी में रखो, फिर आर टी में सस्ता निकाल लो, तो ये आया है 0 बी कमा बी पे, ये आया है 2b स्क्वायर, ये आया है 0, ये माइनस का 4b पावर 4, b बाई टू, बी बाई टू, ये आया है माइनस का 3 बाई टू बी स्क्वायर आया है, ये आपका b स्क्वायर बाई टू आया है, ये माइनस का 3 बाई टू बी स्क्वायर आया है और ये 2b की पावर 4 आया है। माइनस b में देखो इसका मान 0 आया है, मतलब x को माइनस बी और y को बी यहां रखो, s में रखो और t में रखो, वैल्यू निकालो, ठीक है। ये आपका 2b स्क्वायर आया है, ये आपका 0 आया है, ये माइनस 4b की पावर 4 आया है, ये आपका 3b स्क्वायर बाई 2 आया है और ये आपका हाफ b स्क्वायर आया है, ये आपका 3b स्क्वायर बाई 2 आया है, ये 2b स्क्वायर 4 आएगा। एक बार कृपया चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम किताब से नोट कर रहे हैं, हमने खुद ने सॉल्व किया है, तो किताब में साइन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। मिस्टेक इसलिए दिख रही है, यहाँ x का मान माइनस बी बाई 2 है, y का बी बाई 2 है, वैल्यू सेम लिखी हुई है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं गलत ना हो। बी बाई 2 3b बाई 2 वैल्यू आई है 3b स्क्वायर बाई 2, ये आएगी हाफ बी स्क्वायर, ये 3b स्क्वायर बाई 2, ये आएगी 2b की पावर 4 और लास्ट वाली जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर बाई 2 माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 और 2b की पावर 4, यहां पहुंचे यहां तक। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम की पहली कंडीशन कि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अब सावधान सुनो ध्यान से, यहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है, यहां 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 लेस देन 0 है, इसलिए इन वैल्यू के लिए ये 0,0 पे है, ये इस वाली वैल्यू पे है, ये इस वाली वैल्यू पे है, ये इस वाली पे है, इन वैल्यू पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, समझ आगे बात। जहां पर लेस देन 0 है वहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया, काम खत्म। अब यहां पे आओ, अब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इनमें मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इन इस केस को देखो, इस केस में आर का मान निगेटिव आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये आर ये ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है, तो फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है, इस वैल्यू पे मैक्सिमा होगा,
डबल डेरिवेटिव जब निगेटिव होता था इंटरमीडिएट में मैक्सिमा होता था, ठीक, ये तो ग्रेटर ही रहेगा, ये पॉजिटिव है तो इस केस में मिनिमा होगा, ये पॉजिटिव है इस केस में मिनिमा होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है इसमें मैक्सिमा होगा, हो गया। अब आपको इस पर फंक्शन मैक्सिमा है, इस पर फंक्शन मिनिमा है, इस पर फंक्शन मिनिमा है, इस पर फंक्शन मैक्सिमा है, हो गया। ये वो वैल्यू आई है जिन पर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा है। अब उठाइएगा इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिएगा यू में, आपको यू मैक्स मिल जाएगा, ठीक। इस वैल्यू को उठा करके आप रख दीजिएगा इसमें एक्स की जगह माइनस बी बाई टू और वाई को बी बाई टू, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तरीका समझ आ गया, पक्का नोट करिए इसको, थोड़ा टेक्निकल है ध्यान रखिएगा, हम मैंने काफी कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, यानी अगर इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो अभी और आधे घंटे चाहिए हमको, सब वैल्यू रखना पड़ता ना, हमें मान के तो जाना है कि आप बड़े हो गए और आप कर ले जाएंगे, मतलब ये केवल वैल्यू वो आई है जिन पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा टेस्ट हुआ है, लेकिन वैल्यू मैक्सिमा होगी तो उसके लिए बी बाई टू और बी बाई टू, एक्स का मान बी बाई टू और वाई का मान बी बाई टू यू में रख दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा यू मैक्सिमम आएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।